बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर। शुगर के मरीज़ क्या जापानी फल खा सकते हैं? ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत एहतियात कर रहे होते हैं चूँकि डाइट में अपनी, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगता है लेकिन डिलीशियस बहुत होता है। दिल तो चाहता है हर बंदे का खाने को। तो आज की बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो सबके लिए कि जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं क्या वो जापानी फल खा सकते हैं, जिसको अमलोक भी कहते हैं आम जबान में, और वो लोग जो इसको खा रहे हैं हेल्दी हैं उनको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, कितना छुपा हुआ ख़जाना है इसके अंदर, आज इसके ऊपर बात करूँगी। आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की है जापानी फल की न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करने के लिए, आए ज़रा वो देखते हैं। जापानी फल के बारे में आज आपको एक छोटी सी ये मैं डिटेलिंग देने लगी हूँ कि ये किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है, कि आपके सामने ये बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक जापानी फल नॉर्मल साइज़ का जब आप लेते हैं तो उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स, कितने एंटीऑक्सीडेंट्स, किस किस तरह के बी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलते हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने बैलेंस ऑन किया, आपके सामने रीडिंग आ गई ज़ीरो। अब ये मैं एक लाइट वेट प्लेट रखूँगी, इसका सच कोई वेट शो नहीं हो रहा। और अब हम इसके ऊपर एक नॉर्मल से साइज़ का मैं आपको रख के दिखाती हूँ जापानी फल। इसका वेट आ रहा है जी 133 ग्राम, ये ग्राम्स आ रहे हैं, 133-125 नॉर्मल साइज़ का जो जापानी फल होता है उसका ये वेट, इसका ये वज़न होता है। अच्छा, अब शुगर के मरीज़ हों या हार्ट पेशेंट्स हों या ख़ास तौर पे डायबिटीज़ वाले, चूँकि बहुत एहतियात कर रहे होते हैं अपने खाने में, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब इसके अंदर इसका जो कैलोरीज़ जो इसके अंदर हैं वो 118 कैलोरीज़ हैं, अगर फ़र्ज़ करें या पूरा खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर सोडियम सिर्फ 1 मिलीग्राम है, पोटेशियम 6% इसके अंदर है, यानी ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है वो 31 ग्राम कार्ब्स हैं इसके अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर मौजूद है जो आपकी ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करता। विटामिन सी सबसे ज़्यादा 14-15% विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। जापानी फल के अंदर 6% पोटेशियम मौजूद है। जापानी फल आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आप इसको एतदाल में और मुनासिब वक्त पे खाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में चलकर कि कितने तरीक़ों से आप इसको खा सकते हैं और कितना खाना चाहिए। जापानी फल का जो सबसे बड़ा एक ही फ़ायदा है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, वो वाले एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। शुगर के वो मरीज़ के जो हार्ट की प्रॉब्लम में मुब्तला हो गए हैं या फ्यूचर में खुदा ना खासा हो सकते हैं, उनके लिए ये आर्टरीज़ को खोलता है, आर्टरीज़ को साफ करता है, तो जापानी फल आपके लिए इस लिहाज से फ़ायदेमंद हो गया। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा, जापानी फल का कलर आपने देखा है ऑरेंज सा होता है, तो ऑरेंज फ्रूट फल फूल सब्जियां जितने भी होते हैं उनके अंदर कैरेटिन मौजूद होता है, विटामिन ए मौजूद होता है। ये जो कैरेटिनॉइड होते हैं ये वो एंटीऑक्सीडेंट हैं कि जो आपकी शरियानों को क्लॉग होने से बचाते हैं, जो आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो शुगर के मरीज़ों को लॉन्ग टर्म, ये जो क्रॉनिक एक डिज़ीज़ है पीछे से चली आ रही होती है, 10-15 साल पुरानी हिस्ट्री होती है शुगर की, सबसे पहले आँखों पे इफ़ेक्ट करती है। तो आपके लिए ये जो जापानी फल है ये फ़ायदेमंद है, आप खा सकते हैं। अच्छा, ऐसे फ्रूट जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं और ये कैरेटिनॉइड्स मौजूद हैं, फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स की एक किस्म है। ये करते क्या हैं, ये करते हैं, इसका ये आपको मैं तीसरा बड़ा फ़ायदा बता रही हूँ कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में आता है दवाओं की वजह से और जो अपने बीमारी के जो अपने नेगेटिव असरात होते हैं, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो ये इसका तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि जो आपके बीमारियों के जो बुरे असरात हैं, जो दवाओं के बुरे असरात हैं, उनके असर को ज़ाइल करता है।
2016 में एक रिसर्च की गई है, ये आप healthline.com पे चेक करें, webmed पे चेक करें, pubmed पे चेक करें। 2016 में रिसर्च की गई कुछ लोगों के ऊपर कि जिनको ये खिलाया गया फ्रूट, तो उनके जो हार्ट रिस्क था उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। दिल की बीमारियाँ, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, आर्टरीज़ की ब्लॉकेज खुली। तो ये इसका चौथा बड़ा, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि रिसर्च बेस्ड ये चीज़ें हैं, और चूंकि इसके अंदर रिच फाइबर है, ये आपकी ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करेगा। और इसका पाँचवा बड़ा फ़ायदा आपको बता दूँ कि इसके अंदर वो सॉल्युबल फाइबर हैं, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो आपके खुराक के साथ साथ जैसे जैसे अंदर जा रहे होते हैं वो आपकी ग्लूकोज को एकदम स्पाइक नहीं करते। तो आपने खाना कैसे, ये मैं आगे बताती हूँ। इसका पाँचवा बड़ा फ़ायदा जो आजमुदा भी है, बहुत से पेशेंट्स को मैंने बताया, उनको रिलीफ मिला, जिन लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज़ है या नहीं है, आप एक फ्रूट दिन में ले लें इसका, आप देखें कि आपका पूरी गट हेल्थ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइनेस हुई हुई है, मोटेलिटी कम हुई हुई है आंतों की, वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए एक हेल्दी फ्रूट है। इसका छठा बड़ा फ़ायदा आपको मैं बताऊँ कि जापानी फल को आपने हमेशा छिलकों समेत खाना है, क्योंकि इसके छिलकों में कहीं ज़्यादा अफादियत है अंदर के पल्प से ज़्यादा। छिलकों के अंदर वो फ्लेवोनॉइड मौजूद हैं जो AGEs को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। ये क्या हैं AGEs? एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये वो कंपाउंड है कि जब फैट और प्रोटीन जाकर आपके शुगर से मिलती है, जो आपके ब्लड में शुगर घूम रही है, ये वो कंपाउंड आपके ब्लड में घूमना शुरू हो जाते हैं, और ये उन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता है ये फ्रूट, और आपको हेल्दी रखता है। तो ये कंपाउंड आपके लिए ख़तरनाक है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में और प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो AGEs जो हैं वो आपको ये ब्रेक डाउन करेगा और आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाएगा। तो जापानी फल के बारे में आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ख़ासतौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए, कि इनके लिए एक हेल्दी फ्रूट है। लेकिन अब खाना कैसे है इसको? एक तो आपने इसको छिलकों समेत खाना है, दूसरे आपने इसको कभी ऐसे वक्त नहीं खाना कि जब आपने पेट भर के खाना खाया हुआ हो, ऑलरेडी आपने कार्ब्स और रोटी और ये चीज़ें खाई हुई हों। आप ऐसे टाइम पे खाएं जब आपका स्टमक खाली हो और आपने आगे पीछे कोई रोटी इस किस्म की चीज़ें ना खाई हुई। जापानी फल को आप कितने तरीक़ों से खा सकते हैं? एक तो आप इसको, मैंने कहा ना, आगे पीछे आपने कुछ ज़्यादा हैवी खाना ना खाया हुआ हो ताकि आपका ग्लूकोज स्पाइक ना कर जाए, तो आप इसको अपने जो सुबह ओट मील वगैरह आप लेते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपने जो भी सैलड बना रहे हैं, आप कोई भी उसमें क्रीम ऐड करते हैं या जो भी चीज़ आप दही ऐड करते हैं उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं जापानी फल। और आपने छिलकों समेत ही करना है, छिलकों समेत ही खाना है इसको, छिलकों समेत आप स्लाइसेस करके खा लें। अच्छा, इसके साथ एक स्वीट एंड सावर चिकन बनता है, ये जापानी फल को आप डालकर चिकन बनाएं, बहुत बेहतरीन बनता है। आपको तमाम न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, लेकिन उसको ज़्यादा पकाइएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं वो फिर वेस्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। आज की वीडियो थी जापानी फल के ऊपर कि हम उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। जो हेल्दी लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ नहीं है, वो तो दो भी खा सकते हैं एक दिन में, लेकिन शुगर के मरीज़ एक जापानी फल खा सकते हैं। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सेहतमंद है। वीडियो को आपने शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आइंदा आप भी मेरी टीम का हिस्सा बन जाएं और मैं इसी तरह आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।